नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, चाहे आप एक दिन के लिए करते हैं, चाहे लंबे टर्म जैसे 10 दिन के लिए, एक महीने के लिए करते हैं, या 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 1 ईयर तक के लिए भी लोग करते हैं। तो इस पोजिशनल ट्रेडिंग को आपको कैसे करना है, जो फ्री में कॉल्स मिलते हैं। अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से जाइए, फ्री में आपको वहाँ सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाते हैं। आप हमारे लिंक जाइए, ओपन कीजिए अभी एंजल ब्रोकिंग में। हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे कैसे एंजल ब्रोकिंग से आप फ्री में पोजीशन ट्रेडिंग के लिए कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो पोजीशन ट्रेडिंग में जो अभी एंजल ब्रोकिंग का कॉल था आरती इंडस्ट्री, ये दिया गया था कि 1915 रुपया पे बाय करना है, 1100 से ऊपर का टारगेट दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट दे चुका है, तो हमने 1895 पे यहां पर बाय किया था। अब यहां पर 1895 पर बाय किया, अब ये देखते हैं 950 रुपया जा चुका है। अब यहां से अगर ये 975 के लेवल को ब्रेक करता है, मतलब 980 के लेवल को, तो फिर इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो अगर आप एक महीने के लिए होल्ड करते हैं तो आ सकता है ये 1100 से ऊपर का लेवल दिखाए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 1100 से ऊपर था मई में और वहाँ से इसमें काफ़ी करेक्शन आया था। तो वैसे स्टॉक्स जो काफ़ी पिटे हुए हो, तो वैसे में आप उसमें अगर पोजीशन बनाते हैं तो निश्चित है कि वो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको वहाँ देगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं, और जो लॉकडाउन है उसके कारण उसका बिजनेस ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ हो। तो इसी में हमने आज भी ट्रेड लिया है, देखते हैं आज का हमारा प्रॉफिट है 2117 रुपया, लेकिन इसमें हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। IGL इसमें जो हमने पोजीशन बनाया है, तो ये हम एकदम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जो BTST है एक तरह से कहिए, या तो हम इसमें आज प्रॉफिट बुक कर सकते थे या तो हम अगले दिन बुक करेंगे। अगर अगले दिन मार्केट में तेज़ी रहता है तो निश्चित है ये कि 415-420 तक जाएगा। तो 420 अगर जाता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 13 रुपया, और 100 क्वांटिटी है तो 1030 रुपया हो गया, और 355 अभी ये प्रॉफिट दे रहा है, तो मतलब 1355 के आसपास, तो 1350 रुपया आसपास एक, मतलब एक BTST कॉल में हमें हो जाएगा। मात्र 100 क्वांटिटी हमने लिया था, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, जब आपके पास कैपिटल होगा, पूंजी होगा, तभी ना आप पूंजी जब ज़्यादा होगा तब आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। हमारे पास 1,00,000 रुपये की पूंजी है इस पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो शॉर्ट टर्म है, तो इसमें हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, मतलब 50,000 एक में लगा सकते हैं, तो इसमें हमने कितना लगाया, 40,000 रुपया, तो अभी हमारे पास उधर बचा हुआ है 60,000, तो दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक्स बाय चांस नीचे आ गया यहाँ से तो हम इसे क्या कर लेंगे, इसे होल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम तो इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये हो सकता है नीचे आए तो फिर हम इसको BTST ना करके एक शॉर्ट टर्म के लिए बना देंगे, 10-20 दिन के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए हैं, जब मार्केट नीचे आएगा तो भी ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे आरती इंडस्ट्री, IGL, देख इन प्रस्था गैस है, ये सब स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए हैं, तो अगर मार्केट नीचे आता है तब पर भी ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, तो इस स्टॉक को हम होल्ड कर लेंगे अगर नीचे आता है, मतलब हमें लॉस बुक नहीं करना है, स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाए, क्योंकि ये हमारा इंट्राडे कॉल नहीं है। इंट्राडे में आपको या तो एक ही दिन में प्रॉफिट बुक कीजिए या तो लॉस बुक कीजिए, तो उसमें आपको सारे टेक्निकल्स नॉलेज होनी चाहिए, पोजिशन और टारगेट सब फटाफट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वो स्टॉक्स लेते हैं जो काफ़ी पिट चुके हैं, मतलब काफ़ी गिरावट उसमें इधर आया है, अब वो मार्केट अगर गिरता है तो पर भी ऊपर जा सकता है, तो वैसे स्टॉक को चुनना है, तो उसी में आरती इंडस्ट्रीज है, IGL है। अगर आपने पोजिशन नहीं बनाया है तो अभी भी आप IGL में पोजिशन बना सकते हैं, जैसे एक मंथ के लिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये सारे कॉल्स हैं, तो ये हमारे मतलब एक एजुकेशन पर्पस से आपको पोजीशन बनाना है, वो आप पे निर्णय है। तो जैसे हमने ये 404 रुपया पे बनाया, अभी ये 407 रुपया जा चुका है, हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनाए हैं, जैसे ये 420 गया तो सेल कर देंगे। अगर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इसमें आ रही है, आगे भी रहेगा, मार्केट मतलब हमारा अप जाता है, तो हम इसमें थोड़ा ठहर सकते हैं, मतलब जैसे 450 रुपया, 500 रुपया तक के लिए। अगर 500 रुपया जाता है तो 100 रुपया का मोमेंटम, तो आप समझ सकते हैं 100 क्वांटिटी है तो 10,000 का मात्र समझ सकते हैं, कुछ ही दिनों में 10,000 का रिटर्न कितना लगाए, 40,000 सिर्फ लगाए, 25% का रिटर्न। तो ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आपका कैपिटल काफ़ी तेज़ी से बनता है। तो ये तब करना है जब आप थोड़े वक्त के लिए मार्केट में समय देते हैं, 1-2 साल, तो उस 1-2 साल में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय करना है, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हम अपने चैनल पर बता रहते हैं। उसके बाद आपको पहले जो है
5,000-10,000 से आपको पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। हमने भी पहले ऐसे ही किया था, पहले हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे तो जैसे वेदांता में किए थे हमने, तो एक बार प्रॉफिट बुक किया, दो बार किया, तीसरे बार हम उसमें ट्रैप हो गए वेदांता में। तो वैसे स्टॉक्स आपको नहीं लेना है, वैसे क्वालिटी स्टॉक्स लेने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे, ताकि आप कभी उसमें फंस गए तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। वेदांता हम उस समय नए थे तो नहीं जानते थे कि वो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, उसमें ट्रैप होंगे। वो मतलब उसका चलता है एक बार अप साइकिल एक बार डाउन साइकिल, उस समय वो डाउन साइकिल में था, हमने बीच में ही ट्रैप हो गया। तो इसलिए ऐसे क्वालिटी स्टॉक लेना है, जैसे रिलायंस हो गया आप देख सकते हैं, फिर जैसे TV18 ब्रॉडकास्ट में हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये रिलायंस ग्रुप का स्टॉक्स है और इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है आगे जाने का। इसमें हमने पोजिशन भी बनाया है, आज फिर से फ्रेश पोजिशन इसमें मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमने बनाया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय किया है, साथ साथ ये पोजिशनल ट्रेडिंग हम अलग से करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय, इससे जैसे जितना प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे उस सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए हमारा इसमें बाइंग होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग। तो क्योंकि जैसे मर्जर होगा तो निश्चित है कि ये स्टॉक्स आपको आगे चल करके एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर लॉस बुक किया था इस क्वार्टर में कंपनी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिट में था। अभी जो पैंडमिक सिचुएशन उसके कारण एड रेवेन्यू काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो इसी कारण ये कंपनी के शेयर प्राइस में आपको मोमेंटम कम देखने मिल रहा है। अगर ये प्रॉफिट मेक करता कंपनी अभी नेटवर्क 18 और TV18 ब्रॉडकास्ट, तो अभी ये प्राइस आपको जो 36 रुपया है ये 60 रुपीज होता, मतलब काफ़ी इसमें मोमेंटम आता, लेकिन रिजल्ट खराब होने के कारण इसमें मोमेंटम नहीं है। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो देखते हैं, हमने बुक कर चुका है 1700 समथिंग, तो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे 1410 और 352, तो हो जाएगा आपको 1762 रुपीज़। तो इतना प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, इसको मैंने बुक नहीं किया, इसको रहने दिए BTST के लिए। अब मंडे को हम इसको सेल करेंगे अगर इसमें 415 या 420 का लेवल आ जाता है तो, या देखेंगे बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी है, मार्केट में भी तेज़ी है, मार्केट में भी तेज़ी और इसमें भी तेज़ी, तो हम इसको शॉर्ट टर्म जैसे 1 मंथ के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, 10 डेज के लिए भी कर सकते हैं। तो सारे मार्केट को देखेंगे और इंडिकेटर हमारा RSI क्या करता है, तो RSI भी आपको दिखाएंगे कैसे बाय सिग्नल और सेल सिग्नल देता है। तो इसके जो सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर में जाते हैं, तो आपको किस लेवल पर हमने इसको बाय किया था, किस लेवल पर सेल किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर पर जाके। यहाँ पर देख सकते हैं IGL, यहाँ शुरू से देख लीजिए, रिलायंस को हमने बाय किया था 2103 रुपया पे, और इस रिलायंस को हमने फिर सेल किया कितना पे, 2121 रुपया पे। बहुत बड़ी गलती किया हमने, रिलायंस 2150 रुपया तक जा चुका था, अगर हम 2150 पे बाय करते सेल करते, पोजिशनल था, हम इसमें आज इंट्राडे भी कर सकते थे, बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन हमने इंट्राडे का पोजिशन नहीं बनाया। अगर इंट्राडे में हम इसमें 1000 क्वांटिटी का पोजिशन बनाते तो समझ सकते हैं आज बहुत बड़ा मौका था, इसमें हम 1000 क्वांटिटी का अगर इंट्राडे में पोजिशन लेते 50,000 अर्न कर सकते थे, लेकिन बहुत ही रिस्की होता है इंट्राडे में। मैं शुरू में कई बार इंट्राडे किया, एक दिन में 5,000 बनाया 100 शेयर से ही, और 7,000 लॉस किया, ऐसा भी हुआ है। एक ही स्टॉक में 5,000 मैंने अर्न किया तो 7,000 अगले ही चांस पे उसमें लॉस कर दिया, तो ये भी होता है इंट्राडे में। लेकिन पोजिशनल में जो होता है वो आप वैसे स्टॉक चूज कीजिए जो कि आपको निश्चित रूप से रिटर्न देगा, तो निश्चित है आपको मिलेगा रिटर्न पोजिशनल ट्रेडिंग में, तो पोजिशनल ट्रेडिंग काफ़ी बेहतरीन होता है। यहाँ पर देख लीजिए हम TV18 ब्रॉडकास्ट कितना पर बाय किए, 1000 क्वांटिटी 35.50 रुपया पे, फिर 100 क्वांटिटी बाय किए 36 रुपया पे, और फिर सेल किए 1000 क्वांटिटी 36.55 रुपया पे। तो यहाँ पर 35.50 रुपया पे बाय किए थे, 36.55 रुपया पे हम सेल किए, तो इस तरह से हमें ये जो एवरेज प्राइस आया था ये दोनों मिला करके ये 35.55 रुपया आया था, इसलिए हमने 36.55 रुपया पे सेल किया, तो 1000 रुपया यहाँ से प्रॉफिट हुआ। फिर 100 क्वांटिटी जो हमारा बचा था उसको भी हम 35.60 रुपया पे सेल कर दिए, हटा दिए उसे सेल करके, तो कुछ इस तरह से हमें फ़ायदा हुआ। यहाँ पर 35.85 रुपया पर हम बाय कर रहे थे कभी क्वांटिटी, ये तो हमारा कैंसिल्ड हो गया। और उसके बाद एक बार फिर से हमने पोजिशन इसमें बनाया 35.30 रुपया, देख सकते हैं 36.55 रुपया पे गया, वहाँ से फिर लौट करके ये स्टॉक्स आया 35.30 रुपया पे। यहाँ पर फिर हमने बाय किया और इसको फिर से सेल किया 35.70 रुपया पे, मात्र यहाँ 50 पैसा का हमने प्रॉफिट लिया। तो इस तरह से 1000 का बेनिफिट यहाँ हुआ था और फिर 400 रुपीज़ का यहाँ पर बेनिफिट हुआ, तो हो गया 1410 रुपीज़ कुल। और फिर रिलायंस में जो प्रॉफिट हुआ दोनों मिला करके हो गया हमारा 1762। तो इस तरह का पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो आपको हमने बताया था आरती इंडस्ट्री में हमने पोजिशन बनाया है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 800
₹95 पे, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जा चुका है। ये हम थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए बनाए हैं, क्वांटिटी काफ़ी कम है, यहाँ पर मात्र 10 क्वांटिटी लिए हैं। यहाँ पर क्वांटिटी हमको 50 लेना चाहिए था, 50 क्वांटिटी लेते तो ₹1100 अगर ये चला जाता है तो हमें 12,000 का रिटर्न प्राप्त होगा। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन पोजिशनल ट्रेडिंग में आप अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो और ये सारा चीज़ फ्री में आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए, आपको सारे व्हाट्सएप पे कॉल, ईमेल पे कॉल सारे मिलते रहेंगे, और साथ साथ उसका जो मतलब वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको कॉल मिलेंगे। अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे जब आप डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो निश्चित है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एंजल ब्रोकिंग में जाइए अभी ओपन कीजिए। और सारे कॉल्स कैसे देखते हैं एंजल ब्रोकिंग वो आपको हम आगे बताते रहेंगे, एक वीडियो में पीछे भी बताया था, और उसके बाद इसमें आपको मौका था, अगर फिर से वापस आता है तो आप ये 900 के आसपास तो आप पोजीशन ज़रूर बनाइएगा। और साथ साथ मार्केट के डायरेक्शन को देखिए, मार्केट डायरेक्शन अगर अप रहता है तो पोजीशन ज़रूर बनाना है, फिर से अगर 900 आता है तो आप यहाँ 950 पे आपको बनाना है या नहीं ये आपके ऊपर है, आप खुद सोच करके देख लीजिए। अभी RSI देखते काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहीं पर जैसे स्ट्रेंथ दिखाया यहीं पर बाय किया जाता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ जो दिखाया देखते हैं, यहाँ ये स्ट्रेंथ ऊपर चलने लगा तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये भी कैंडल 900 के आसपास बना है, तो ₹900 पर आप इसमें पोजीशन बना सकते थे। फिर वहीं ITC इसमें जो हमने मौका चूक गया, जो पीछे वीडियो हमने बताया था आपको परसों, उसी दिन मौका था इसमें 192 पर ये स्टॉक्स था, 192 रुपीज़ पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते थे। अगर 200-300 क्वांटिटी भी बाय करते तो ये यहाँ से ₹10 का मोमेंटम दिया, ₹9-10 का, तो अगर 300 क्वांटिटी बाय करते तो आप उसमें आप 10 से गुना कर दीजिए कितना होता, 3000 का प्रॉफिट होता। तो इस तरह से आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, क्योंकि इसमें पोजिशन बनाएंगे 192 पे तो हमेशा सेफ रहेंगे, इसमें हमारे अनसिक्योर कभी नहीं होना है। तो ऐसे मतलब ऐसे ही कॉल्स आपको लेने हैं जिसमें आप सिक्योर महसूस करें, अगर ये यहाँ से नीचे चला गया 180 तो उसको क्या कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जब वो फिर से वापस आएगा 200 तब सेल करेंगे। तो इसलिए अपने कैपिटल को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फिर पोजिशनल कॉल लीजिए और लगातार प्रॉफिट बुक करते रहिए। जब आप लगातार प्रॉफिट बुक करते हैं वो आपको करेज करता है, इससे आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे और आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अकाउंट आपका अलग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होना चाहिए। इसलिए कहते हैं एक जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, एक एंजल ब्रोकिंग में। जब आप इंट्राडे करना चाहेंगे, जब सीख जाएंगे तो तीसरा अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो आपको अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक बाय करते हैं, अगर वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी है आपके पास, तो जब आप स्टॉक सेल कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक आपका सेल हो जाएगा डीमैट अकाउंट से। मतलब ये जो बाय करेंगे आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ये स्टॉक बाद में सेल होगा, पहले वही सेल हो जाएगा जो आपके डीमैट अकाउंट में होगा। तो इसीलिए अकाउंट दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और दोनों ब्रोकरेज में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।